जहाँ पर हम गजा की सूरत हाल के साथ साथ देख रहे हैं, हमाद लेबनान में भी कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर ईरान के साथ जो एक छेड़खानी हम देख रहे थे पहले शाम, वो जहाँ पे शाम में ईरानी कॉन्सुलेट पर जो हमला था, उसके बाद फिर इब्राहिम रईसी उनके जो सदर हैं उनको जिस तरह से इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया, और अब उसके बाद ये उनके स्टेट गेस्ट को इस तरह से निशाना बनाना, डेफिनेटली ये खत्ते में हम देख रहे हैं कि जो एस्केलेशन है अब ये हमें वाइडर लेवल पर दिखाई दे रही है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, खिते में एस्केलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, टेंशन्स बढ़ती जाती हैं, कोई ना कोई ऐसा अमल हो जाता है जिससे पीस के ऊपर इफेक्ट करता है, वॉर की तरफ हमें लेकर जाता है। लेकिन ये अमल जो हुआ है ये पहली बार तो इसराइल ने ऐसा कोई कॉन्डक्ट नहीं किया, इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुका है। मेरे सीनियर पैनलिस्ट तारीख को मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तारीखी गलियों में ले जाएंगे और बताएंगे कि कब कब ऐसा कुछ होता रहा है। भारत भी इसी तर्ज अमर को अपनाता रहा है, इस वक्त कनाडा और अमेरिका में भी जो कत्लेआम हुए हैं उसके इल्ज़ाम भारत के ऊपर हैं और कहीं कुछ पे तो उसके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है। एक इल्ज़ाम जो इसराइल पे रहा जो मेरे जहन में अभी आ रहा है वो खालिद मिशाल साहब का है, जो कि हमास के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे। लेबनान में ही उनके दफ्तर के बाहर उनको एक जहर आलूद इंजेक्शन लगाया गया था और इस इशू के ऊपर उस वक्त के किंग हुसैन ने बहुत सख्त रद्दअमल दिया था, जैसे आज तेहरान से एक बहुत सख्त रद्दअमल आया, लेकिन ना उस वक्त किसी सख्त रद्द अमल की शायद परवाह की गई ना आज परवाह की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से जो जंग यहाँ चल रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को, बुजुर्गों को, जवानों को मारा जा रहा है, वो हर तरीके से इंसानी हकूक की वॉयलेशन है, इंटरनेशनल लॉज की वॉयलेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं जो कि इसराइल किए जा रहा है। जहाँ तक हानिया साहब की शख्सियत का ताल्लुक है तो वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसराइल की बर्बरियत को फर्स्ट हैंड हमेशा से मुतासिर रहे हैं। उनको अपने वालिदैन के साथ उनके आबाई घर से निकाला गया, उनको मुल्क बदर किया गया, उनको कई बार जेल में डाला गया, पहले भी उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। 2017 से जब वो बने हैं प्रेसिडेंट पॉलिटिकल विंग के, उसके बाद से आप उनका रोल देखिए, ख़ासतौर पर इस ईद उल फितर पे जो आपने जैसा कि जिक्र किया, उन्होंने अपने 3 बेटों की शहादत देखी, साथ ही साथ अपने 4 पोतों का खून दिया। तो जिस शख्स ने अपनी औलाद का खून दे दिया हो उसके लिए अपनी जान शायद कोई मानी रखती नहीं है, उसके लिए तहरीक ही सबसे बड़ी रह जाती है। लेकिन ये बात भी कहना जरूरी है कि इसराइल ने अपने इस हमले से अपने गरूर का मैसेज कई लोगों को दिया है, कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, सबसे बड़ा नुकसान तो फलस्तीन के लोगों को पहुंचा है, जहां पर कहा जा रहा था कि ये निगोसिएशंस की बात कर रहे थे, कमेटी का हिस्सा थे, कोशिश कर रहे थे कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन इसराइल का इरादा कोई सीज़ फायर का लगता नहीं है, वो चाहती है कि जंग आगे चलती जाए, बढ़ती जाए, और जो उन्होंने बहाना तो हमास का बनाया हुआ है लेकिन उनका असल मकसद नस्ल कशी है वहाँ पर। इसी तरीके से ये हमास का नुकसान है, हमास का के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ईरान के ऊपर एक सिक्योरिटी फेलियर, जैसा आपने अभी फरमाया ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये नए आने वाले प्रेसिडेंट साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी उन्होंने पूरे तरीके से इक्तदार संभाला भी नहीं है कि उनको एक इतने बड़े मसले का सामना है। वो रिफॉर्म्स के एजेंडा पर आए थे, वो ताल्लुकात बहाल करने के एजेंडा पे आए हैं पाकिस्तान के साथ भी, बाकी दुनिया के साथ भी, लेकिन इस वक्त जो इस मसले का अब उनके सामने आ पहुंचा है, जो भी वो एक्शन लेते हैं उनके आने वाली पॉलिसी के ऊपर उसका डायरेक्ट अमल रहेगा। जो उससे भी बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान पैदा होता है वो OIC के किरदार पर होता है। हम देखना चाहते हैं कि आखिर कब तक OIC उस शुतुरमुर्ग की तरह रहेगी जो रेत में गर्दन डालने के बाद सोचता है कि इस दुनिया के बाकी मसाइल से उसका कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।